गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात। अगर आप इलेक्ट्रिक कोई भी बाइक रखे हैं, इलेक्ट्रिक है, कार रखे हैं, तो सुबह सुबह एक काम रहता है, सुबह सवेरे उठ करके अब पहले उसको चार्ज में लगाइए, तब दिन भर उस पर सवारी कर सकते हैं। मेरा भी यही काम है। देखिए, सुबह सुबह उठ करके इसको चार्ज में लगा दी, ये अब चार्ज होने लगी। अब हम टहलने के लिए निकल रहे हैं, मौसम बड़ा सुहाना है। देखिए, मौसम बहुत बढ़िया है टहलने के लिए सुबह सुबह। ये लगभग 5 हमको लग रहा है कि 5 बज रहा है, और मॉर्निंग वॉक के लिए हम निकल गए हैं। और ये इतना बढ़िया काम है, सुबह सुबह टहल लीजिए, सारा दिन फ्रेश रहिए। लगभग 5 किलोमीटर हम रोज़ टहलते हैं और निकल गए हैं टहलने के लिए। आप भी देखिए और इसका आनंद लीजिए। और अब हम दुकान के लिए निकल रहे हैं, स्नान वगैरह करके, पूजा वगैरह करके और दुकान के लिए निकल रहे हैं। देखिए, और ये सारा गोपाल जी हमसे पूछ रहे हैं, गोपाल जी को पटना जाना है, तो वही हमसे पूछ रहे हैं कि इसके साथ जाएं। और देखिए, अब दुकान हम अपनी ये इलेक्ट्रिक बाइक से जाएंगे दुकान। आज अकेले दुकान पर रहना। और दुकान पर पहुंच के पूजा पाठ वगैरह करके, देखिए मेरे पिताजी मेरे पीछे हैं, और पूजा पाठ करके रोज़ की तरह अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। और देखिए, ये हमारे ऑफिस का दृश्य है, रोज़ जो आप लोग देखते हैं, रोज़ की तरह वही काम है, कोई नया काम तो है नहीं। और देखिए, एक तो अंकल जी आए हैं पेपर पढ़ने के लिए, बगल वाले अंकल जी हैं, रोज़ आके यहाँ पेपर पढ़ते हैं, पेपर पढ़ रहे हैं आराम से। ये अंकल जी पढ़ रहे हैं अपना, ये देखिए कैमरा अपना काम कर रहा है, 24 घंटा चालू रहता है, सारा दृश्य अपना दिखाता है। आइए, बैकलॉग जो देखना है पीछे का देख लीजिए, नहीं देखना है मत देखिए, रात को क्या हुआ था नहीं हुआ था देख सकते हैं। ये सड़क रोड का दृश्य है सामने से, रोज वही है, लोग आते जाते हैं, सड़क का दृश्य है आप देख रहे हैं। रोज की तरह छोटी को लेके आज भी कॉलेज पहुंचाना है, कॉलेज लेके जा रहे हैं उनको, आप देखिए। और आते समय हमारे मित्र हैं जितेंद्र सिंह जी, जिनका पेट्रोल पंप है, उनके यहाँ मिलना हो गया, उनके यहाँ बैठ कर चाय पीने लगे। देखिए, अपने उन्हीं के यहाँ बैठे हुए हैं। और ये हमारे मित्र हैं नित्यानंद जी, जो हमारा आकर के शोरूम पर इंतज़ार कर रहे थे। अब इनके बच्चे की शादी है, उन्हीं उसी का कार्ड देने आए थे। फिर हम लोग बहुत दिन बाद मिले हैं, कॉलेज फ्रेंड है तो बहुत दिन बाद मिले हैं बेचारे, तो
तो बात होने लगा। देखिए ये नित्यानंद चौबे जी हैं हमारे परम मित्र, और ये कॉलेज के फ्रेंड हैं, साथ में हम लोग पढ़े हुए हैं, और इनके बच्चे की शादी है। तो भाई हम लोग बोले कि भाई चलिए आपके बच्चे की शादी में हम जाएंगे। और ये एक हमारे कस्टमर आ गए और हमारे सब्सक्राइबर भी हैं पहले से, बोले कि अरे भाई आपका तो हम चैनल देखते हैं, और ये कस्टमर आ गए लेकिन सामान लिए नहीं। बड़ा आत्मीयता से बात हुआ। दवा की काम करते हैं, मेडिसिन, अंग्रेजी मेडिसिन का काम करते हैं ये, और इनसे बात। सोफ़ा लेने के लिए आए थे, सोफ़ा तो नहीं लिए, लेकिन बड़े दिलचस्प आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, और ये हमारे दुकान पर आए, हमको बड़ा खुशी हुई। और दोपहर के बाद अमन जी भी आ गए थे, इनका परीक्षा ख़त्म हो गया था, तो हमको कुछ आराम मिला। अब देखिए किसी मिस्त्री से बात कर रहे हैं अमन जी, क्या करना है और कैसे करना है। अमन जी को के आने से हमको आराम मिला है, और देखिए हम कुछ आराम भी कर रहे हैं, ये कुछ बात कर। देखिए हम आराम की मुद्रा में हैं, अमन जी आ गए तो हम बोले भाई चलिए हमको कुछ रिलैक्स हुआ। हमको लगता है कल से छोटू जी भी आ जाएंगे, उनके लड़के का डिस्चार्ज हो गया है हॉस्पिटल से, तो वो छोटू जी भी आ जाएंगे। देखिए हम बोले भाई गेट ठीक से खोल दीजिए, अमन जी आ गए, दरवाज़ा भी नहीं खुला था। दो तीन दिन से अस्त व्यस्त था कार्यक्रम, अभी कल से दोनों आदमी आने लगेंगे। आज दोपहर से अमन जी आए हैं, कल से छोटू बाबू भी आने लगे हैं, तो काम बढ़िया ढंग से चलने लगेगा, हमारा कुछ आराम होगा। अब ये देखिए इस दुकान में भी थोड़ी देर के लिए हम आए हैं, तो ये दुकान का भी पोजीशन है, देख लीजिए बाजार मंदा चल रहा है। और ये देखिए हमारे परम मित्र संतोष जी हैं, ये LIC का काम करते हैं, और इधर से गुजर रहे थे, बखोरापुर इनका घर है, जहाँ का मंदिर प्रसिद्ध है बखोरापुर का, तो इधर से ये गुजर रहे थे। तो भाई हम बोले आइए आइए संतोष जी, दो मिनट बैठ के जाइए, चाय पानी पी के जाइए। और ये कोई कस्टमर आए हैं, लोग लेंगे नहीं लेंगे दूसरी बात है, लेकिन देखिए कोई आया है, बातचीत कर रहा है, लेना होगा तो ठीक, नहीं लेना होगा तो ठीक। तब तक हम संतोष जी के साथ गप सड़ाका कर रहे हैं। और देखिए हम दुकान से आ गए हैं, शाम को दुकान से आ गए हैं, गुड बाय बोल रहे हैं, दुकान बढ़ा करके आ गए हैं। अब ये देखिए आइसक्रीम का आज पार्टी होगा, आइसक्रीम है, और देखते हैं क्या है आज के रात के खाने में। आइसक्रीम है, और ये देखिए आम भी है, आम भी है, आम उतना स्वादिष्ट नहीं है, आम भी है। और इधर देखिए लिट्टी की तैयारी हो रही है, और ये सत्तू बना हुआ है, बिहार में लिट्टी चोखा फेमस है,
तो आज लगता है कि लिट्टी मिलेगा, बड़ा बढ़िया बढ़िया भोजन मिलेगा भाई आज। तो लिट्टी है ये, चोखा देखिए बन रहा है, लिट्टी चोखा है। बनने की प्रक्रिया में हमारी श्रीमती जी बना रही हैं, देखिए लिट्टी चोखा बन रहा है, आप भी लिट्टी का आनंद लीजिए। फ्रेंड्स आप लोग भी लिट्टी का आनंद लीजिए। देखिए लिट्टी बनने की प्रक्रिया में है और ये देखिए लिट्टी आ गया है। लिट्टी है, सलाद है, घी में डुबाया हुआ लिट्टी है, सलाद है और चोखा है। लिट्टी चोखा खाइए, उसके बाद आम खाइए, उसके बाद आइसक्रीम खाइए। हम लोग भी चाहेंगे कि देखिए लिट्टी है, आप भी खाइए और लिट्टी का आनंद लीजिए। देखिए लिट्टी कितना बढ़िया यम्मी लिट्टी बना है। अब लिट्टी खाने के बाद आपको गुड नाइट बोल रहे हैं और फिर कल मिलेंगे।